और 14 में हम लोग खंडशा समाकलन के दो सवाल देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही विशेष हैं, ट्रिकी हैं। जब इसकी आप तैयारी करेंगे तभी एग्जाम में पकड़ पाएंगे कि ये खंडशा समाकलन के किस प्रकार के सवालों में सम्मिलित हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है सेक क्यूब एक्स। अब आप देखिएगा कितना विशेष प्रकार का ये सवाल है। तो हम लोग इस क्वेश्चन की शुरुआत में इसको इंटीग्रेशन आई मान लेंगे और जो ये sec क्यूब लिखा हुआ है इसको हम लोग अगले स्टेप में ब्रेक करेंगे sec x इंटू sec स्क्वायर x, क्योंकि अब ये फर्स्ट सेकेंड बन जाएगा और यहां पर हमने इसे सेकेंड मान लिया और इसको हमने फर्स्ट मान लिया। फर्स्ट और सेकेंड मानने के जो रूल्स हैं ये पहले पार्ट्स में हम लोग जो है इस पर चर्चा कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि सेकेंड का समाकलन होगा और sec स्क्वायर x का समाकलन tan x देगा, फर्स्ट का अवकलन होगा जो कि sec x इंटू tan x देगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फॉर्मूला होता है खंडशा का, फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया sec x, फिर दूसरे का समाकलन तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस, फिर होता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx ऑफ sec x, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx और फिर होल का इंटीग्रेशन। ये खंडशा का फॉर्मूला है जो प्रैक्टिस करते करते आप लोग को तैयार हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला रख देते हैं। sec स्क्वायर का समाकलन हम लोग का हो जाएगा tan x, इंटीग्रेशन sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x और sec स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा tan x dx। अब सवाल यहां से विशेष स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे ही रखा रहा और ये रखा है sec x और ये मिला के हो गया tan स्क्वायर x dx और ये हो गया sec x इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन ये sec x और tan स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx और ये सारा सेक्शन जो है जो सवाल था वो हम लोग का आई चल रहा है। तो आई हो जाएगा sec x इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे sec क्यूब x dx और इसका इससे करेंगे माइनस, बाहर निगेटिव था तो ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन sec x dx। अब यहां पर आप देखें जो ये हम लोग को मिला है इंटीग्रेशन sec क्यूब x और ये देखिए हम लोग की इक्वेशन फर्स्ट थी। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखिए ये सेक्शन जो दिख रहा है सेम वही क्वेश्चन मिल गया है। तो हम लोग इसे लिखेंगे sec x इंटू tan x माइनस, चूंकि ये पूरा पार्ट पुनः वही सवाल बन चुका है इसलिए इसको आई मान लेंगे और प्लस sec x का इंटीग्रेशन विशेष फॉर्मूलों में लिखाया था हमने log sec x प्लस tan x, ठीक क्लियर। ये वाला आई इधर आ जाएगा तो i प्लस आई इज इक्वल टू ये हो गया sec x इंटू tan x प्लस ये log sec x प्लस tan x, i i मिला के हो गया यहां पे हम लोग कितना 2i, 2i हो गया sec x इंटू tan x प्लस log sec x प्लस tan x, इसलिए फाइनल आंसर आई हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में sec x इंटू tan x प्लस log और ये हो जाएगा sec x प्लस tan x प्लस c और ये क्लोज कर देंगे। ये मेरा आंसर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से बहुत विशेष है, इंटीग्रेशन कॉसेक क्यूब एक्स। चलिए इसको हम लोग आई मान लें पहले और ये हो जाएगा हम लोग का सवाल कॉसेक क्यूब एक्स डीएक्स। अब कॉसेक क्यूब एक्स को भी हम लोग ब्रेक करेंगे कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब खंडशा लगाने के लिए इसको सेकंड और इसको फर्स्ट तो लगाते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन जो कि है कॉसेक एक्स इंटीग्रेशन सेकेंड कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स और फर्स्ट फंक्शन कॉसेक एक्स इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स
डीएक्स और होल का इंटीग्रेशन, तो आई हो जाएगा कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन फॉर्मूले से होता है माइनस कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, तो प्लस लगा दिया, क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का फिर से समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स डी एक्स। देखिए जहां पे सवाल बहुत संभालना होता है वहां पे हम लोगों को अपनी स्पीड कम कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दोबारा संभालना मुश्किल पड़ जाता है। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये हो गया कॉसेक एक्स और कॉट एक्स और कॉट एक्स मल्टीप्लाई हो करके हो गया कॉट स्क्वायर एक्स। बिल्कुल सवाल चल रहा है वैसे ही जैसे पहला सवाल सेक क्यूब एक्स का चला था। ये दोनों बहुत विशेष क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ गए तो जब तक आपकी विशेष तैयारी नहीं है इन क्वेश्चंस पे बच्चे जल्दी लगा नहीं पाते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स और कॉट स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, आई इज इक्वल टू ये हो गया माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ये कॉसेक एक्स जो है वो ब्रैकेट के अंदर जा रहा है तो कॉसेक और कॉसेक स्क्वायर मिला के हो गया कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स, माइनस माइनस मिला के प्लस हो गया इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स। अब आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन था ये इक्वेशन वन मान लिया था और यहाँ पे ये चीज हम लोग को दोबारा पुनः प्राप्त हो गई। तो इक्वेशन वन से हम लोग जब नीचे आएंगे इसके पास तो ये पुनः आई बन जाएगा, और कॉसेक एक्स का समाकलन विशेष फॉर्मूले में था लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब ये वाला माइनस आई इधर आकर के जुड़ जाएगा तो आई इधर आके प्लस आई, तो आई और आई मिला के हो जाएगा टू आई, और यहाँ क्या बचा है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसलिए आई हो जाएगा वन अपॉन टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर। तो ये दो प्रश्न के लिए स्पेशल एक अलग सा पार्ट इसलिए बनाया था इन दो प्रश्नों के लिए कि आप अलग तरीके से इसको ध्यान में रखेंगे कि एग्जामिनर्स की निगाहों में ये सवाल रहते हैं। और मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, और मजबूती के लिए सारे पुराने वीडियो जो समाकलन के हैं आप लोग देखते रहिए। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।